बरसात के दिनों में ऊना से बोटा सुपर हाईवे पर दर्जनों चीड़ के पेड़ दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं और आजकल बरसात के दिनों में हर वक्त पेड़ों के गिरने का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग आंखें मूंद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। हालत ऐसी है कि कई पेड़ों की जड़ें भी उखड़ चुकी हैं। ऊना से बोटा सुपर हाईवे पर दिन व रात के समय सैकड़ों वाहन आवाजाही करते हैं और किसी भी समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ऊना बोटा सुपर हाईवे पर कई चीड़ के पेड़ गिरने के कगार पर हैं। इन पेड़ों की जमीन से जड़ें बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन विभाग तब तक नहीं पेड़ों को हटाएगा जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घट जाती है। हजारों की संख्या में इस सड़क से वाहन गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के समय चीड़ के पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और किसी की जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बड़े हादसे को रोका जा सके। हार निवासी जितेंद्र सिंह ने विभाग से मांग की है कि इन पेड़ों को जल्द हटाया जाए ताकि किसी को जान माल का नुकसान न हो। उधर सुपर हाईवे के सहायक अभियंता आर के शर्मा का कहना है कि जल्द ही हम वन विभाग को लिखित कार्रवाई करके सड़क पर गिरने वाले चीड़ के पेड़ों को हटा देंगे और जान माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार को समय रहते इनको उठाना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान न हो।